हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ। स्वागत है आप लोगों को मेरा इस न्यू टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि चैनल प्रमोट करवाने से क्या क्या नुकसान होता है। यानी कि जब नया नया चैनल होता है और हम लोग नया नया चैनल जब क्रिएट करते हैं तो चैनल प्रमोट करवाते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर जो कॉन्टेक्ट में होते हैं उन लोगों से जो है चैनल प्रमोट करवाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जैसे क्राइटेरिया जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लेकिन इससे क्या बड़ा नुकसान होता है वो हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को डाउट क्लियर करेंगे। तो सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब YouTube चैनल बनाना है तो इस बात को ध्यान रखना है कि चैनल प्रमोशन नहीं करवाना है, चैनल प्रमोट नहीं करवाइएगा, न तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका जैसे YouTube करियर बर्बाद कर सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप YouTube पे जैसे अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर धीरे धीरे व्यूज आना स्टार्ट होता है, चैनल धीरे धीरे ग्रो होता है। बट एकाएक यानी कि तुरंत अगर 2 दिन 4 दिन में अगर आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, अगर बड़े क्रिएटर से अगर आप कॉन्टेक्ट करके और चैनल को प्रमोट करवाएंगे तो 1 से 2 दिन में भी आपका जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। पर उस चैनल जो है उस चैनल को डेड कर देता है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम से अगर चैनल वायरल होता है तो ही वो कंटिन्यू उस पर व्यूज आना आता रहता है। यानी कि जब यूट्यूब के एल्गोरिथम से अगर आपका चैनल ग्रो होता है उसके बाद आप उस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड कीजिएगा तो धीरे धीरे व्यूज आता ही रहता है, 1000 2000 1000 2000 जैसे लिमिट से वो व्यूज आता ही रहता है। अगर दूसरे के चैनल से बड़े क्रिएटर से अगर आप कॉन्टेक्ट करके अगर चैनल ग्रो करवाते हैं तो व्यूज आएगा, बट आपको जैसे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है फिर भी 1000 500 200 400 50 60 ऐसे ही व्यूज आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी चैनल बनाइएगा तो उस पर अपना वीडियो अपलोड करते रहिए और YouTube के एल्गोरिथम से जब आपका चैनल ग्रो होगा तभी आपको ठीक है। नहीं तो आपका चैनल अगर आप बड़े क्रिएटर से कॉन्टेक्ट करके अगर आप चैनल वायरल करवा लेते हैं यानी कि प्रमोशन करवा लेते हैं तो आपका चैनल पे व्यूज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप जितना भी कोशिश कर लो नहीं आएगा। व्यूज आने का एक ही तरीका है, जो आपका अपना वीडियो होना चाहिए और यूट्यूब एल्गोरिथम से जैसे आपका चैनल ग्रो होना चाहिए तभी व्यूज लगातार आते रहेगा और सभी वीडियो पे व्यूज आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है, मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुँचेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।